हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पे हम आपके बैंकिंग को आसान बनाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन या फिर चेंज करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहे हैं। तो अगर आपको भी अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन या फिर चेंज करवाना है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा और उसके बाद आसानी से आप ये काम कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास अभी तक कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करवा पाएंगे। ये बैंक अभी के टाइम में सिर्फ एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को इस काम के लिए, और वो है ब्रांच के थ्रू अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करवाना। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसके लिए आप अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स और न्यू मोबाइल नंबर लेकर अपने ब्रांच में विजिट करें। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के एम्प्लॉयज आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन या फिर चेंज फॉर्म दे देंगे। एक आवश्यक सूचना, अगर आपको यह फॉर्म चाहिए तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम आपको इस फॉर्म को दिखा देते हैं, उसके बाद इसको फिलअप कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं, और लास्ट में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों, यही वो फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करना है। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे ऊपर में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम लिखना है, जिस ब्रांच में आपका ये बैंक अकाउंट है। आपका उस ब्रांच का कोड क्या है वो कोड लिखना है, अगर याद नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, ब्रांच वाले फिलअप कर लेंगे। और वो डेट यहाँ पे लिख दें जिस डेट में इस फॉर्म को आप अपने ब्रांच में जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट एप्लीकेंट नेम में अपना नेम लिख दें जो भी आपके बैंक अकाउंट में है, और अगर ये बैंक अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट है तो उनका सेकेंड का नाम सेकेंड एप्लीकेंट नेम में लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का पूरा नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखने का जगह मिलेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओल्ड नहीं बल्कि आगे के दिनों के लिए जो भी आप अपना न्यू मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो न्यू मोबाइल नंबर को यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट का जो भी टाइप है, SB सेविंग बैंक अकाउंट के लिए, CA करंट बैंक अकाउंट के लिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट का टाइप है उसको टिक कर दें। अब बारी आती है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिनमें आप अपने बैंक अकाउंट में अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है यहाँ पे एक्टिवेट SMS अलर्ट ऑन माई मोबाइल नंबर या फिर चेंज मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन को, और वहां पे सबसे पहले इसको टिक कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपको जो भी बॉक्सेस मिलेंगे यहां पे आपको न्यू मोबाइल नंबर मेंशन करना है जो आप आगे के दिनों के लिए आप अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। इसके बाद यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, देख सकते हैं ये फॉर्म 3 पेज का है। तो यहां पे जितने भी ऑप्शंस मिल जा रहे हैं उनमें से अगर आपको और भी कोई अपडेट करवाना है अपने बैंक अकाउंट में तो उनको टिक करके उनसे रिलेटेड डिटेल्स यहां पे आप फिलअप कर लें, और अगर नहीं करवाना है कुछ तो यहां पे आपको थर्ड पेज में देख सकते हैं, थर्ड पेज में आ जाना है डायरेक्टली, और थर्ड पेज में डिक्लेरेशन के नीचे में यहां पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और अगर ये बैंक अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट है तो बाकी सबके सिग्नेचर यहां पे होने जरूरी है। जैसे ही इतना डिटेल्स इस फॉर्म में आप फिलअप करेंगे तो आपका ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इस फॉर्म को इस तरह से फिलअप कर लेंगे तो इस फॉर्म को आप अपने ब्रांच में सबमिट कर दें। आपके इस फॉर्म को सबमिट करने के 2 से 3 वर्किंग डेज में ही वहां के एम्प्लॉयज आपके बैंक अकाउंट में न्यू मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देंगे, और उसके बाद आसानी से अपने न्यू मोबाइल नंबर से बैंकिंग के किसी भी तरह के काम कर पाएंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें, और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।